रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में एक्शन में सीबीआई। लेडी डॉक्टर के घर पहुंची सीबीआई की स्पेशल टीम, पेरेंट्स का बयान दर्ज करने के लिए गई। लेडी डॉक्टर के माता पिता के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। सीबीआई की टीम यहां पहुंची है लेडी डॉक्टर के घर और अब उसके पेरेंट्स से बातचीत करके ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले के बाद से प्रोटेस्ट जारी है। अब वकील भी इस बेटी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध मार्च निकाला है। रेप मर्डर केस के विरोध में ये मार्च निकाला गया। महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग के साथ ये मार्च निकाला गया है। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर इन वकीलों का मार्च। कितनी जल्दी सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑल एंगल से कर रही है, तो वो ऑल एंगल में जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। तो जल्दी तो बोलना ये तो गलत होगा, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग आएगी उसी पर डिपेंड करेगा कि क्या फाइंडिंग्स है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी, हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है, और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम संदीप घोष से आज भी कर रही है पूछताछ। इस जगह के प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष और उनसे चौथे दिन पूछताछ हो रही है। 36 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल जवाब संदीप घोष के साथ हो चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि आरजीकर अस्पताल के ये जो प्रिंसिपल रहे हैं इनसे सीबीआई किस तरीके के सवाल कर रही है। सोर्सेस बता रहे हैं कि सीबीआई जो सवाल कर रही है उसमें मुख्यतः सवाल ये हैं कि मौत को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी क्यों की गई। सवाल ये भी कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, इससे छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, क्राइम सीन के पास रेनोवेशन का काम क्यों शुरू कराया गया, और सवाल ये भी कि किसके कहने पर रेनोवेशन का आदेश दिया गया था, कि आपके कहने पर दिया गया था, और पीड़ित परिवार को बगैर फैक्ट्स की जानकारी क्यों दी गई थी, इस मर्डर को आत्महत्या साबित करने की जल्दबाजी क्यों थी, क्यों क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई, क्यों वहां रेनोवेशन के ऑर्डर दिए गए, क्या ये ऑर्डर आपके कहने पर दिए गए, गलत फैक्ट्स पीड़ित परिवार तक क्यों पहुंचाए गए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज है। आरोपी संजय रे से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। आज फिर संजय रे की साइकोलॉजिकल उसका परीक्षण हो रहा है। कल भी कई घंटों तक साइकोलॉजिकल टेस्ट चला था। संजय रे से साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वो जो पुलिस का सिविक वॉलंटियर था वो इतना खतरनाक अपराधी कैसे निकला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है। महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है, सीवी आनंद बोस ने कहा। बंगाल ने महिलाओं को निराश किया है, मौजूदा सरकार ने महिलाओं को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, यह कहना है सीवी आनंद बोस का। बंगाल इज नॉट अ प्लेस सेफ फॉर वुमेन। बंगाल हैज फेल्ड इट्स वुमेन, नॉट बंगाल सोसाइटी। The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. सोर्सेस बता रहे हैं कल दिल्ली जा सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस। गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात उनकी हो सकती है। कोलकाता की पीड़िता के परिवार के साथ संपर्क में हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पीड़िता के माता पिता से हर दिन राजभवन के अधिकारी बातचीत करते हैं। सीबी आनंद बोस का कल दिल्ली दौरा हो सकता है और यहां उनकी महत्वपूर्ण मुलाकातें संभावित हैं।
और आगे मर्डर मामले के बाद से प्रोटेस्ट जारी है। अब वकील भी इस बेटी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकीलों ने विरोध मार्च निकाला है। रेप मर्डर केस के विरोध में ये मार्च निकाला गया। महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग के साथ ये मार्च निकाला गया है। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर इन वकीलों का मार्च। कितनी जल्दी सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑल एंगल से कर रही है, तो वो ऑल एंगल में जो भी फाइंडिंग्स आएगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। तो जल्दी तो बोलना ये तो गलत होगा, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग आएगी उसी पर डिपेंड करेगा कि क्या फाइंडिंग्स है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है, और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम संदीप घोष से आज भी कर रही है पूछताछ। इस जगह के प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष और उनसे चौथे दिन पूछताछ हो रही है। 36 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल जवाब संदीप घोष के साथ हो चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि आरजीकर अस्पताल के ये जो प्रिंसिपल रहे हैं इनसे सीबीआई किस तरीके के सवाल कर रही है। सोर्सेस बता रहे हैं कि सीबीआई जो सवाल कर रही है उसमें मुख्यतः सवाल ये हैं कि मौत को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी क्यों की गई। सवाल ये भी कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया, इससे छेड़छाड़ क्यों होनी दी गई, क्राइम सीन के पास रेनोवेशन का काम क्यों शुरू कराया गया, और सवाल ये भी कि किसके कहने पर रेनोवेशन का आदेश दिया गया था, कि आपके कहने पर दिया गया था, और पीड़ित परिवार को बगैर फैक्ट्स की जानकारी क्यों दी गई थी, इस मर्डर को आत्महत्या साबित करने की जल्दबाजी क्यों थी, क्यों क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई, क्यों वहां रेनोवेशन के ऑर्डर दिए गए, क्या ये ऑर्डर आपके कहने पर दिए गए, गलत फैक्ट्स पीड़ित परिवार तक क्यों पहुंचाए गए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज है। आरोपी संजय रे से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। आज फिर संजय रे की साइकोलॉजिकल उसका परीक्षण हो रहा है। कल भी कई घंटों तक साइकोलॉजिकल टेस्ट चला था। संजय रे से साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वो जो पुलिस का सिविक वॉलंटियर था वो इतना खतरनाक अपराधी कैसे निकला। पश्चिम बंगाल